सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए। बोर्ड ने शुक्रवार को रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले 87.33% बच्चे पास हुए हैं। सीबीएसई ने तय किया है कि इस साल रिजल्ट के साथ स्टूडेंट्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन की जानकारी नहीं देगा। बेवजह की कॉम्पिटिशन से स्टूडेंट्स को बचाने के लिए इस साल मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को नया सीईओ मिल गया है। कंपनी के वर्तमान सीईओ और मालिक एलन मस्क ने गुरुवार देर रात बताया कि उन्होंने एक महिला को कंपनी का नया सीईओ चुना है। वे अगले 6 हफ्तों में कंपनी से जुड़ जाएंगी। मस्क ट्विटर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के सामने आए, जेब से पर्चा निकाला, चश्मा चढ़ाया और बोले, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सभी जजों का शुक्रिया। दिल्ली के लोगों के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मामले में क्रिमिनल ट्रायल की इजाजत मांगी थी।